प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी विधायक अपने अपने इलाकों में सक्रियता दिखाने लगे हैं। विधायकों के द्वारा हर त्योहार को आम जनता के बीच जाकर मनाया जा रहा है। कई जगहों पर विधायक इसके लिए भोजन भंडारे भी करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से सभी मौजूदा विधायकों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक समय अपनी विधानसभा में बिताएं और जितना हो सके आम जनता के बीच रहे। इंदौर में 3 नंबर से विधायक उषा ठाकुर के द्वारा सामाजिक समरसता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कई विधायकों के टिकट काटने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि इसी कारण से कई भाजपा विधायक अपने अपने इलाकों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने लगे। कई जगहों पर तो ये कार्यक्रम खुद भाजपा विधायकों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि आम जनता के लिए भोजन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा विधायक उषा ठाकुर के द्वारा इलाके में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में महिला सफाई कर्मियों का पूजन किया गया। साथ ही मकर संक्रांति का पर्व होने के कारण कार्यक्रम में खिचड़ी और तिल के लड्डू भी बांटे गए। सारी स्वच्छता कर्मी बहनों को बुलाया है। हमारे सबके घर की भी माता बहनें आ रही हैं, वो इनको हल्दी कुमकुम लगाएंगी और चूड़ी पहनाने का आज बहुत महत्व होता है, तो सभी माता बहनों के यहाँ चूड़ी पहनाई जाएगी, भजन गाए जाएंगे, खिचड़ी खाना और तिल गुड़ घया अणि गोड़ गोड़ बोला, ये महामंत्र है, तो तिल गुड़ सबको यहाँ बटेगा। इस पावन पारंपरिक उत्सव को हम सब यहाँ सामूहिक रूप से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के 10 वार्ड एक साथ मना रहे हैं। प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं को अपने अपने विधानसभा इलाकों में जाकर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। यही कारण है कि सभी विधायक अब सभी त्योहार अपने इलाकों में मना रहे हैं।